suna please. Ek perpetual bond hai, perpetual. There is a perpetual bond. I think perpetual is okay with you all. Wo bond redeem hoga ki redeem nahi hoga? Nahi hoga. Irredeemable bond, perpetual bond. There is a perpetual bond whose face value is 1000. Figures copy nahi karna abhi. Discussion chal raha hai. There is a perpetual bond whose face value is 1000 and whose coupon rate is 12%. Coupon rate वो rate होता है जो face value पे लगाने से पता चलता है कि company हर साल कितना पैसा देगा. तो दिख रहा है आप लोग को 120,000 face value, coupon rate 12%, 120 forever. बाजार में जो similar bonds है, बाजार में जो similar bonds है उनका जो yield है, that means required rate of return is 15%. So this bond is giving you just 12%, 120, but you require how much? 15%. So पहले अपने maths के बजाय feel का बात करते हैं. Would you like to pay for this bond 1000 or more than 1000 or less than 1000? Less than 1000, because we want to earn 15%, but this bond is giving only what? 12%. But 12% is of what? 1000. And we want to earn 15% of our investment price. हम लोग तो 15% कमाएंगे जो हम लोग पैसा लगाएंगे उस पे ना. हजार से क्या मतलब, मैं जो पैसा लगाऊंगा उस पे 15% कमाना है. तो जाहिर है मेरे को कमती पैसा देना पड़ेगा 900-800 टाइम्स, जिससे कि इस बॉन्ड से मेरा रिटर्न 15% हो पाए. तो तुम लोगों को याद होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज व्हाट? परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला इन फाइनेंस, ए बाय आई. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज ए बाय आई. सबसे सिंपल फॉर्मूला फाइनेंस का, कि 120 मिल रहा है, अपने को 15% अर्न करना है. तो अगर 15% 120 है तो टोटल कितना है? 15% अगर 120 है तो टोटल कितना है? 120 by 0.15, हाउ मच? 120 by 0.15, 800. बैक कैलकुलेशन देख लो. इफ यू पे 800 फॉर द बॉन्ड, तो 800 का 15% कितना होता है? 120. तो हर बार आपको 120 मिलता रहेगा, तो 800 15% कमा रहे ना. तो दिस इज परपेचुअल बॉन्ड. यानी परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यूएशन एग्जाम में स्टैंड अलोन तो पूछेगा ही नहीं. वो कैसे पूछ सकता है? आंसर इज जस्ट 120 by 0.15. हो सकता है किसी समय घुमा फिरा के काम आ जाए. ठीक है, तो परपेचुअल बॉन्ड. मेनी ऑफ यू फॉरगॉट दैट बिल्डिंग ब्लॉक में वी हैड डन द फॉर्मूला. तो ये जो निकल रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ आरी, तो क्या लिखूँ? पी जीरो की आई वी जीरो. आई वी जीरो इज इक्वल टू ए बाई आई. ए हो गया 120, आई हो गया 0.15. आंसर आ रहा है कितना? 800. 800 रुपये इस बॉर्ड का दाम होना चाहिए. दिस इज टू ईजी स्टफ, शुड नॉट कम इन द एग्जाम दिस वे. कुछ और ट्विस्टेड फॉर्म में आना चाहिए. इस फॉर्म में तो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल. Consider a perpetual bond. Consider a perpetual bond. Dash, next line. Face value 1000. Coupon rate 12%. Next line. Yield available on similar bonds. Yield available on similar bonds अपना required rate of return होता है जो हम elsewhere कमा सकते हैं. Yield available on similar bonds 15%. Bond price equal to 780. Next line. Compute intrinsic value. And give your investment advice. Compute intrinsic value and give your investment advice. Solution. IV0 equal to A by I. IV0 equal to A by I. Perpetuity ka formula. A by I equal to 120 by 0.15. 120 by 0.15 equal to 800. Next line. Since P0 that is 780 is less than IV0, comma, bond is trading cheap. And investor should go long. Bond is trading cheap and investor should go long.
bond is trading cheap and investors should go long. ठीक है, अब सबको शेयर कर रहा हूँ. एग्जामिनेशन में ये ऐसा क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, एग्जाम में दिस टाइप का क्वेश्चन, हाउ इज इट अपियर्ड इन द एग्जाम, डिस्कस कर रहा हूँ. और थोड़ा सा स्लो जाऊंगा कि इन केस कोई बोल पाए आंसर, बिकॉज बोल पाओगे बहुत जल्द, तो प्लीज हिंट देना. सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ परपेचुअल बॉन्ड, अभी डिक्टेशन नहीं चल रहा, डिस्कशन है. देयर इज अ परपेचुअल बॉन्ड हुज फेस वैल्यू इज 500, हुज कूपन रेट इज 10% एंड हुज प्राइस इज 460. ठीक है, फेस वैल्यू 500 है, coupon rate 10% the price is 460. The sum also states that the bond price is right now at equilibrium. ये जो 460 equilibrium है, मतलब यही P0 है और यही ID0 है. Bond सही दाम पे बिक रहा है. Question बोल रहा है ऐसा. ठीक है, तो due to a change in liquidity conditions in the market, बाजार में liquidity change होने के कारण yield on the bond goes up by 0.2%. How much? 0.2%. Remember, yield is not coupon rate. Coupon rate cannot go up. वो fixed है. जब कंपनी बॉन्ड इशू किया तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम आप लोग को 10% 500 पे देंगे. वो 10% cannot change. Yield on the bond मतलब बॉन्ड के अंदर छुपा हुआ जो रिटर्न है ना, that return went up by 0.2%. We have to find out the new price of the bond. Question समझो, ये तीन डेटा दिया हुआ है, बोल रहे प्राइस अभी इक्विलिब्रियम पे है. अब इस डेटा के अंदर जो छुपा हुआ रिटर्न है, जो छुपा हुआ यील्ड है, वो यील्ड 0.2% बढ़ गया. कितना परसेंट? 0.2%. तो इन दैट केस आप बताओ कि बॉन्ड का नया दाम क्या हो गया. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, तो इन दैट केस किसी के क्लिक करें तो प्लीज शेयर करना, हाउ डू वी गो अबाउट इट. एक स्टूडेंट बोल रहे हैं रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल लेंगे. ठीक है, बेटर रहता यील्ड बोलता तो, बिकॉज अपने फोकस यील्ड पे था ना. इस सब में तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड सेम है, बिकॉज इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ. तो ये बोला सही है कि सर प्राइस पता है. आप पिछले वाले क्वेश्चन में 15% जो यील्ड दिया हुआ था आरई, उससे क्या निकाले थे? प्राइस, ये इंट्रेंसिक वैल्यू. तो इस सब में आप प्राइस दिया हुआ है, तो बैक कैलकुलेशन से क्या निकालो? यील्ड. विच मीन्स डिस्कस हो रहा है एक बार, वी विल बी डूइंग द सम दिस वे कि P0 इज इक्वल टू ए बाय आई. सही बोल रहे हैं, P0 इक्वल टू ए बाय आई. तो P0 क्या है? 460 is equal to 50 is okay with us. 500 ka 10% divided by what? I. ye I hi to chupa hua return is bond mein. This I is jo main next point mein, abhi point chal raha hai mera bond valuation, jo next point hoga usme sikhaunga tum logo calculation of ytm. ye wo to ytm hai, because ytm matlab hota irr. सोचो तुम कैपच कर रहे हो और कैपच में सम आ गया एग्जाम में, 460 करोड़ एक प्रोजेक्ट में लगाएंगे, 460 करोड़. और उसके कारण प्रोजेक्ट हमेशा अपने को देगा 50 करोड़ जिंदगी भर. अगर ये सम आए, 460 करोड़ लगाएंगे और 50 करोड़ जिंदगी भर आएगा, बताओ तो इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो तरीका तो यही होगा, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो. ठीक है, तो बट उसका नाम IRR के बदले बॉन्ड में क्या है? YTM, यील्ड. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किए तो अपना आई क्या आ रहा है? आई आर एफ 50 बाई 460 ऑफ कोर्स इनटू 100% बोलो 10.87 और स्टॉप करो एक मिनट. प्लीज फील इट दैट ये यील्ड जो है 10 से ज्यादा आया 10.87, बिकॉज 10% जो कूपन था वो तो फेस वैल्यू पे था. किस पे? फेस वैल्यू 500, बट वी आर बाइंग द बॉन्ड एट 460 नीचे दाम पे. तो नीचे दाम पे बाई करेंगे तो यील्ड विल बी हायर और लोअर? हायर. ठीक है, 10.87. अब बोल रहा है समथिंग हैपेंस इन द मार्केट बिकॉज ऑफ विच दिस गोज अप बाय 0.2%. 10.87 प्लस 0.2 11.07% सॉरी 11.07%. तो 11.07% यील्ड हो गया बॉन्ड का. ठीक है, तो इन दैट केस एक बार फिर से मैथ तो कर ही लेंगे, फील वाइज सोचो. 10.87% अर्न करने के लिए प्राइस 460 था. इफ वी वॉन्ट टू अर्न 11.07% मोर हायर रिटर्न, द प्राइस गॉट टू बी वॉट? लोअर. और नीचे दाम पे खरीदेंगे तभी तो रिटर्न क्या आएगा? ज्यादा. अब इससे प्राइस निकाल रहे नया वाला, तो नया वाला प्राइस हो गया P0 इक्वल टू ए बाय आई, तो दैट इज इक्वल टू 50, वो तो कांस्टेंट है, और डिवाइडेड बाय 0.1107. आंसर प्लीज 451.07. तो 451.07 बिकम्स द न्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड. इससे एक चीज अच्छा जानने का है, वो ये कि जो यील्ड है बॉन्ड का, यील्ड दैट इज नॉट द कूपन रेट. कूपन रेट अलग चीज है, यील्ड अलग चीज है. कूपन रेट इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू. एंड इट्स कांस्टेंट और चेंजिंग? कांस्टेंट. कूपन रेट इज फिक्स्ड एंड इट इज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. व्हाइल यील्ड
इज नॉट अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, इट्स अ परसेंटेज ऑफ प्राइस, जितने दाम पे हम खरीद रहे हैं. तो इफ प्राइस फॉल्स यील्ड विल राइज. नीचे दाम पे खरीद रहे हो, उल्टा बोले इफ यील्ड विल राइज प्राइस विल फॉल. देयर इज अ डायरेक्ट और एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यील्ड. इनवर्स, लोअर दाम पे यील्ड क्या होगा ज्यादा, हायर दाम पे यील्ड क्या होगा कम. ठीक है, तो प्राइस और यील्ड में इनवर्स रिलेशन है. ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसका और बेटर डिस्कशन ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर 2 में हो पाएगा, बिकॉज फॉर्मली स्पीकिंग तो मैंने यील्ड अभी तक डिफाइन ही नहीं किया. अपना तो टॉपिक चल रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन. ठीक है ना, ओके लिखो एग्जांपल. एग्जांपल कंसिडर अ परपेचुअल बॉन्ड. कंसिडर अ परपेचुअल बॉन्ड डैश face value 500, coupon rate 10%, price 460 bracket equilibrium, price 460 bracket equilibrium, bracket equilibrium. Next line, if yield on the bond rises by, color word use karo. If yield on the bond rises by 20 basis point, yield on the bond rises by 20 basis point. Okay, divert karo ek minute. Jo kisi ne percentage ka discovery kiya hoga, percentage. The purpose of percentage, if you acknowledge at this stage, what? To divide something into 100 parts. To divide something into 100 parts and talk about kitna parts? 17%. Okay, wo 100 mein se 17 part. To percentage per 100. The percent was introduced in real life to break something into 100 parts. If that part is big, then in that case, wouldn't we break a percentage into 100 parts? Mane bond market mein interest rate kabhi 2% change nahi hota hai. 2% is like bhuchal. It never changes. Bond market mein interest rate changes by 0.07%, 0.19%, 0.15%. So in that case, 1% to bond market ke liye bahut bada ho gaya. So 1% ko 100 part mein break kar diya. Kitne part mein? 100 part mein. Aur ek part is called 1 basis point. जैसे किसी चीज को 100 पार्ट में ब्रेक करके परसेंटेज का आइडिया आया, वैसे 1% को 100 पार्ट में ब्रेक किए 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 बेसिस पॉइंट. इसका मतलब 1% इज 100 बेसिस पॉइंट, 1% इज 100 बेसिस पॉइंट. तो व्हेन आई डिक्टेट ऑन द बोर्ड 20 बेसिस पॉइंट, यू अंडरस्टैंड इट्स 0.2%. 30 बेसिस पॉइंट इज 0.3%. ठीक है, तो लैंग्वेज क्या था? इफ यील्ड ऑन द बॉन्ड राइजेस बाय 20 बेसिस पॉइंट्स कॉमा कैलकुलेट द न्यू बॉन्ड प्राइस. कैलकुलेट द न्यू बॉन्ड प्राइस. Calculate the new bond price. Solution. Step 1. Let us first of all use the current bond price. Let us first of all use the current bond price to back out. Let us first of all use the current bond price to back out yield on the bond. To back out yield on the bond. Language ka matlab samjho. Chalo 460 rupiya ke help se chupa hua return kya hai bond mein pata laga lete ho. That's the meaning. Theek hai na? To back out the yield on the bond. Dash, next line. To board pe likha hai. P0 equal to A by I. P0 equal to A by I. Pichle sab mein likha hai tha IV0 equal to A by I. तो P0 और IV0 का फॉर्मूला तो सेम होता है, पर P0 तब यूज करते हैं जब अपने बॉन्ड के यील्ड से टांगते हैं, IV0 तब यूज करते हैं जब सिमिलर बॉन्ड्स के यील्ड से टांगते हैं, और इस समय तो सारा का सारा चीज क्या है, सेम, बिकॉज द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट व्हाट, इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये जो आई निकलने वाला है, ये आई यील्ड ऑन द बॉन्ड भी है, और यही आई बाजार में सिमिलर बॉन्ड्स का चल रहा है. P0 इक्वल टू A बाय आई, देयरफॉर 460 इक्वल टू 50 बाय आई. 460 इक्वल टू 50 बाय आई. सो आई इक्वल टू 50 by 460 into 100, I equal to 50 by 460 into 100 equal to 10.87%. 10.87%. Next line. New yield. New yield equal to 10.87 plus 0.2. New yield equal to 10.87 plus 0.2. Equal to 11.07%. Next line. New price. New price equal to A by I. New price equal to A by I. So equal to 50 divided by 0.1107.
50 divided by 0.1107 is equal to 451.07. कौन सा 67 451.67 ठीक है ओके नीचे मैं नोट एन इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस एग्जांपल एन इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस एग्जांपल इज दैट There is an inverse relationship between bond price and yield. Inverse relationship between bond price and yield. That is, if yield rises, comma, price falls. ठीक है ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉन्ड चैप्टर में यील्ड बढ़ेगा तो दाम गिरेगा बिकॉज दाम है क्या कैश फ्लोज का पीवी यील्ड से डाला हुआ तो अगर ज्यादा रेट से पुल करेंगे तो इन दैट केस प्राइस क्या आएगा कम ठीक है इफ यील्ड राइजेस प्राइस फॉल्स ठीक है तो ये दोनों एग्जाम्पल अपना परपेचुअल बॉन्ड का हो गया टॉपिक चल रहा है अपना बॉन्ड वैल्यूएशन ठीक है ना अब परपेचुअल बॉन्ड से हटके अगर जीरो कूपन बॉन्ड में आए कौन सा बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड ZCB यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड जीरो कूपन It will not pay any periodic cash flows, but it will be issued at a discount and redeemed at par. Kamti daam pe issue hoga aur baad mein face value milega. To fir se since bahut easy hai, to verbally discuss kar rahe hain. Suna, agar ek 5-year ka bond hai with a face value of 800, 5-year bond with a face value of 800, and price of the bond is right now. 482, तो इट्स लाइक किसी को आज 482 अपने दे रहे हैं और अपने को आज 100 वापस मिलेगा किसी को आज 482 दे रहे हैं एक साल बाद कुछ नहीं मिलेगा दो साल बाद कुछ नहीं तीन साल बाद कुछ नहीं चार साल बाद कुछ नहीं सीधा पांच साल बाद कितना 800 तो 482 देना और 800 पाना मतलब अंदर छुपा हुआ कोई रिटर्न है ना वो जो अंदर छुपा हुआ रिटर्न है वही तो रिटर्न कैपेज में आयरन होते हैं जो कि बॉन्ड में YTM होते हैं और मेरा YTM का पॉइंट नहीं चल रहा वैल्यूएशन चल रहा है इसलिए सपोज मैं फर्दर लिखवाता हूँ कि yield on similar bond is equal to 12%. Similar bonds are paying you 12%. What is this for us? RE. जो similar bonds का yield है, वही तो मेरा required rate of return है. I want to earn 12% from this bond because I can earn 12% elsewhere. So in that case, इस bond का intrinsic value क्या होना चाहिए? इस bond का intrinsic value. तो इस bond में तो केवल एक ही cash flow है. आप zero पे खड़े हो और पांच पे कितना मिलेगा? 800. So in that case, this bond ka intrinsic value should be the present value of this 800 discounted at 12%. Ye to karna hai 800 ko 12% se 5 saal peeche pull karna hai. Theek hai to? Which means intrinsic value of the bond is equal to 800 divided by 1.12 to the power 5. 800 by 1.12 to the power 5. Jiska tum log ka habit hona chahiye discounting factor ke help se na. कि पहले 1 by 1.12 power 5 निकालेंगे discounting factor and that into 800 discounting factor याद है 1.12 divide फिर equal to 5 बार into 800 discounting factor का definitely मैंने क्या बोलते practice रखना कि 1.12 if you are doing together 1.12 divide फिर equal to 5 बार ये जो आया screen पे ये है 1 रुपया का present value So therefore into 800. What is it? 450? So 453.95 लोग बोल रहे हैं. इस बॉन्ड का दाम 453.95 है या होना चाहिए? होना चाहिए. 453.95 होना चाहिए. जबकि इस बॉन्ड का दाम है क्या? दाम है क्या? 482. तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप और रिच. रिच महंगा चल रहा है. वी शुड गो लॉन्ग और शॉर्ट. शॉर्ट. ठीक है. दिस वंस अगेन वेरी इजी स्टफ. एक सिंगल कैश फ्लो को पुल करना है. ठीक है तो लिखो एग्जांपल. Consider a 5-year zero coupon bond. Dash next line. What was your rate? Face value 800. N equal to 5 years. Price equal to 482.
price equal to 482. Yield on similar bonds. Yield on similar bonds हो गया अपना required rate of return RE. Yield on similar bonds मतलब RE is 12%. Calculate intrinsic value. कोई अगर भूल जाए तो intrinsic value का मतलब है should be price. क्या price? Should be. दाम क्या होना चाहिए? Calculate intrinsic value and give your investment advice. Calculate intrinsic value and give your investment advice. Solution. Slow it down. Show this number line. Timeline show कर दिया अपने zero पे खड़े और पांच पे 800 मिलने वाले अपने zero पे खड़े और पांच पे अपने को 800 मिलने वाले तो उस 800 के बदले आज क्या पे करेगा 800 का प्रेजेंट वैल्यू 800 का प्रेजेंट वैल्यू मेरे को अर्न कितना करना है 12% बिकॉज़ सिमिलर बॉन्ड्स 12% दे रहे हैं तो 800 का प्रेजेंट वैल्यू 12% से पीवी किया हुआ सो आई वी 0 इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 1.12 पावर 5 फिर से लोगों का हैबिट डिवाइड करने का नहीं होना चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर का होना चाहिए कि 1.12 डिवाइड फिर इक्वल टू 5 बार वो जो आया दैट इनटू 800 ठीक है तो यू वांट टू डू इट योरसेल्फ प्लीज डू इट 1.12 डिवाइड फिर इक्वल टू 5 बार इनटू 800 क्या आंसर है 453.94 अप्रॉक्स 453.94 डू यू अंडरस्टैंड 453.94 का मतलब है इफ वी बाय द बॉन्ड एट 453.94 एंड वी गेट 800 आफ्टर 5 इयर्स So paying 453 today and getting 800 after 5 years implies a return of what? 12%. So to earn 12%, I would like to pay itna. But the bond is trading at 480. 482. So bond to overpriced hai. So agar buy karenge, to return to 12% ghar pe aayega hi nahi. So jahir hum log buy nahi karenge. Kya karenge? Sell. Like since P0, that is 482. Since P0, that is 482, is greater than IV0. Since P0, that is 482, is greater than IV0, comma, bond is trading rich, and investor should go short. Full stop. सम के लिए जरूरत नहीं है बट तुम सोचो अगर इन्वेस्टर शॉर्ट जाएगा बेचेगा सब जन बेचना चालू कर दिए सब जन बॉन्ड को बेचना चालू कर दिए तो 480 क्या होगा गिरेगा गिरते जब 453 के बराबर आएगा तो क्या होगा इक्विलिब्रियम और उस समय बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा 12% ठीक है ना जबकि 480 पे अगर मैं पूछता हैड माई क्वेश्चन बीन जो बाद में होने वाला है सेक्शन पॉइंट नंबर 2 में कि 480 पे यील्ड बताओ तो सपोज मेरा क्वेश्चन है 480 पे व्हाट इज द यील्ड ऑन द बॉन्ड माय क्वेश्चन इज What is the yield on the bond at 480? तुमको सुनना चाहिए और समझना चाहिए सब बोल रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है आउटफ्लो इक्वल टू व्हाट इनफ्लो यानी 480 इज इक्वल टू 800 बाय 1 प्लस आर पावर 5 482 इज इक्वल टू 800 बाय 1 प्लस आर पावर 5 क्या निकालना है आर और अभी क्या कर रहे थे आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पता था उससे क्या निकाल रहे थे IV0 अब प्राइस पता है उससे क्या निकालेंगे आर तो मैं वो वाला पार्ट करवाऊंगा पॉइंट नंबर 2 में जिसमें मेरा यील्ड कैलकुलेशन पॉइंट चलेगा ठीक है तो ओके सो दैट वाज जीरो कूपन बॉन्ड ZCB नेक्स्ट जो ये परपेचुअल बॉन्ड होता है और जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बट द मोस्ट यूजुअल टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस टाइप एज इन लिसन सपोज वी हैव अ बॉन्ड हुज फेस वैल्यू इज 1000 हुज कूपन रेट इज 12% whose maturity is 5 years. So if you buy this bond, you will get 120, 120, 120, 120, 5 times. 120, 5 times. And 5th year ke end mein bond redeem hoga at 1000. 5th year ke end mein bond redeem hoga at 1000. So coupon, last pe alag se principle. This bond is the most typical bond, okay, jo real life mein paya jata hai. And this bond is known as the conventional bond or plain vanilla bond. What bond? Plain vanilla bond. We use this term in finance. Plain vanilla ka matlab hota hai simple. As compared to complicated which is called exotic. Together, this is a plain vanilla bond. So what is a plain vanilla bond? A plain vanilla bond is a coupon bearing bond or a non-coupon bearing bond.
coupon bearing bond, okay, whose coupon rate every year is the same and which is redeemed one shot, क्योंकि ऐसे भी तो बॉन्ड्स होते होंगे जो सिंकिंग फंड में रिडीम होते हैं, जो 3-4 साल में रिडीम होते हैं, पर ये बॉन्ड एक साथ रिडीम होगा, कब, 5 साल बाद। इसको बोलते हैं प्लेन वनीला बॉन्ड।